पठान दारामर टेम्पल, हाँ, यहाँ पे अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी तो हम लोग कैमरा नहीं लेके गए अंदर, फोन्स वर नॉट अलाउड, तो हम बस दर्शन करके आ गए। यहाँ पर विभीषण जी ने श्री राम को आकर सरेंडर किया था जब रावण का भेद खोला था कि उसकी नाभि में तीर मारने से वो मरेगा। तो एक जो बोला गया है कि घर का भेद ही लंका ढाए, इसको अगर हम नेगेटिव तरीके से ना देखें और पॉजिटिव तरीके से देखें तो इसका मतलब ये भी है कि विभीषण जो था वो हरिभक्त था, जबकि रावण जो था वो महाज्ञानी तो था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन घमंडी बहुत था, अहंकार से भरा हुआ था। तो उसकी जो जितनी भी उसके राज्य में जितने भी लोग थे वो सब रावण का कहना मानते थे, विभीषण भी मानता था डर के मारे, लेकिन विभीषण जो था वो हरिभक्त था, श्री राम का भक्त था, नारायण जी का भक्त था। तो उसने रावण को बहुत समझाया, यहाँ अंदर सब कुछ लिखा हुआ है, अगर मैं कैमरा ले जाती तो मैं आपको दिखाती, तो उसको रावण को बहुत समझाया कि सरेंडर कर दे, प्रभु श्री राम है, स्वयं नारायण है, पर वो नहीं माना। और एक उसका वो भी था कि वो इसलिए नहीं माना क्योंकि एक्चुअल में वो अंदर से जानता था कि जो श्री राम है वो नारायण है और नारायण के हाथों उसकी मृत्यु हो, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो एक पहलू इसका ये भी है जो कि लोगों को मालूम नहीं है, रावण जैसा भी था लेकिन वो अंदर से जानता था कि जो श्री राम है वो स्वयं नारायण है, तो इसलिए ये सब जो लीला रची गई। लेकिन तो ये जो टेम्पल मैं आपको बता रही हूँ, ये विभीषण जी यहाँ के सरेंडर किया उन्होंने भगवान राम को कि मेरे को आपकी शरण में ले लीजिए, और सारे जो भी भेद थे उसने रावण के बताए कि किस तरह से वो मृत्यु को प्राप्त होगा। और यहाँ पर जो है वो विभीषण जी का राज तिलक हुआ था, श्री राम ने विभीषण जी का राज तिलक किया था क्योंकि वो तो स्वयं नारायण थे, उन्हें तो मालूम था कि